गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कक्षा 9 इंग्लिश मीडियम एंड गुजराती मीडियम, सब्जेक्ट हिंदी, फोर्थ चैप्टर है कर्ण का जीवन दर्शन। इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर और साहित्य का प्रकार है खंडकाव्य। रामधारी सिंह जी ने खंडकाव्य की रचना की थी ये, और उसमें से थोड़ा सा अंश इस काव्य में हमारे सिलेबस में लिया हुआ है। वैभव विलास की चाह नहीं, अपने कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल। करतल से झड़ती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साध नहीं ले जाना है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से कभी न कुछ लेते हैं, दांडी हृदय का देते हैं, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है कंचन पर वह कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में, होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षिण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुज को खाता है, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश को पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझावातों में पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका विस्तर भुजंग भोजन जिनका, वे ही फणिबंद छुड़ाते हैं धरती का हृदय चुड़ाते हैं, मैं गरुड़ कृष्ण मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी भी उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, कहीं पास काटना है मुझको। प्रस्तुत खंड काव्यांश में जो रश्मिरथी नाम का खंड काव्य है उसमें से थोड़ा यहाँ पे जो भाग है वो लिया गया है। कर्ण का करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला यह खंड काव्य है। सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है। तो अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए उनसे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग का वर्णन इस काव्यांश में लिया हुआ है। इससे पहले हमने थोड़ी सी इस चैप्टर की चर्चा की थी, तो यहाँ पे देख लेते हैं बात फिर से। वैभव विलास की चाह नहीं, कर्ण है, कृष्ण ने उनको पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए संपत्ति का मोह का सुख सुविधाओं देने के लिए कहते हैं। तब कर्ण कहते हैं कि मुझे कोई धन संपत्ति भी नहीं चाहिए, कुछ सुख सुविधा भी नहीं चाहिए, मुझे अपनी तो कोई परवाह ही नहीं है, मेरा जो नियम है जो दान देने का वही निर्मल यानी पवित्र है, दान देने का जो नियम है वही पवित्र रहकर वो चलता रहे। करतल से जड़ती रहा, करतल यानी हथेली, उनसे वो देते रहे, और जो निर्धन है उन लोगों को वो भरते रहे, उनका नियम दान देना वही अविरत वह बहता रहे, ऐसा वो कहते। सेकंड है, तुच्छ राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर प्राप्त विभव,
चिंता प्रबुद्ध अत्यल्प हास कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास। तुच्छ है कर्ण को इंद्रप्रस्थ का राज्य देने का प्रलोभन श्री कृष्ण देते हैं, तो उस वक्त कर्ण कहते हैं कि तुच्छ है, तुच्छ यानी किसी काम का नहीं। पाता क्या नर प्राप्त विभव, यानी ऐसी धन संपत्ति पाकर नर यानी मनुष्य क्या करता है। चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी बहुत ज्यादा, तो ऐसा राज्य पाकर बहुत ज्यादा चिंता मिलती है। अत्यल्प हास उसकी जो खुशी है वह खुशी बहुत थोड़ी होती है। कुछ चाक चिक्य उसकी जो चमक धमक है वो बहुत थोड़े दिन के लिए होती है। अत्यल्प हास कुछ चाक चिक्य कुछ क्षण विलास, उसकी चमक धमक थोड़े दिनों के लिए रहती है, थोड़े समय के लिए होती है, पर वह भी यही गवाना है। लेकिन वो भी यही पर रहना है, साथ कुछ आने वाला नहीं है। कर्ण कहते हैं मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न कभी धोते हैं। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन उठाने को, जग से कभी न कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य है वो कभी धन का संग्रह नहीं करते, कंचन यानी सोना। कहते हैं कि मेरे जैसे जो मनुष्य है वो कभी धन का संग्रह नहीं करते। पाते हैं धन, धन इकट्ठा तो करते हैं, लेकिन जो रत्न सोना जो उन्होंने इकट्ठी संपत्ति की हुई है लाकर उसे क्या कर देते हैं, लोगों और लोगों में बिखरा देते हैं। जग से कभी कुछ न लेते हैं, जो दुनिया है उनसे वापस वो कुछ मांगते नहीं है, दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर, जो बड़े बड़े महल है, बड़े बड़े महल है उनके जो शिखर होते हैं वो कबूतरों के ही घर होते, तो उनमें कबूतर ही निवास करते हैं। महलों में जो महल है उसमें गरुड़ रहता नहीं है, कंचन पर कभी न सोता है। जो सुख सुविधा है उनका उपयोग उनका प्रयोग वो कभी नहीं करती, बसता वह कहीं पहाड़ों में, उनका रहठान उनकी रहने की जगह तो कहीं पहाड़ पर है। बसता वह कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में, सैल यानी पर्वत, पर्वत के दो बीच, दो पर्वत के बीच में फटी हुई जो दरार रहती है, दरार यानी रेखा की तरह अवकाश, तो वहीं पर उनका ठिकाना रहता है, तो वहीं पे वो रहते हैं। प्रासादों में बड़े बड़े महल में कुछ सुख सुविधाओं का उपयोग ये करुड़ नहीं करते। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षी, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज भरण। देखो अधीन यानी सेवक, होकर समृद्धि सुख के अधीन, सुख सुविधाओं के अधीन जो हो जाते हैं उनका जीवन कैसा होता है, तपक्षी यानी कि उनका तेज प्रभाव वो दिन प्रतिदिन नष्ट हो जाता है, तपक्षी यानी निर्बल। होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपक्षी, तपक्षी यानी निर्बल। मानव होता नित तपक्षी, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता यानी राजपाट, सत्ता सत्ता यानी जो राजपाट है, किरीट जो सिंहासन है, और मणिजड़ित जो आसन है वह मनुष्य का तेज, किरीट यानी मुकुट। और कहते हैं कि प्रतेज यानी प्रभाव,
मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। विभव यानी संपत्ति, जो संपत्ति के पीछे भागता है लेकिन वही संपत्ति उनको चैन से रहने नहीं देती। इसलिए कर्ण कहते हैं कि नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश को पिए बिना आतप अंदर में जिए बिना। कर्ण कहते हैं कि जो कोमल है चांदनी पुष्प छाया में पल, चांदनी शीतल छाया में छलकर जो कोमल बनते हैं, सुमधुर गल बने कोमल, पर अमृत क्लेश को पिए बिना आतप अंधड़ में जिए बिना। लेकिन जो तूफानों का आंधी का सामना नहीं कर सकते वो लोग पुरुष नहीं कहला सकते, जो विघ्नों को नहीं हिला सकते। यानी विघ्नों को दूर करना है तो तूफानों से जूझने की भी शक्ति उसमें होनी चाहिए। यानी सुख सुविधा का प्रयोग करके अपने आप बैठे रहने से उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तूफानों का डटकर उसे सामना भी करना पड़ता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयम जिनका, बिस्तर भुजंग भोजन जिनका। जो उड़ते हैं झंझावात, झंझावात यानी तूफान, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, वारी यानी पानी, और प्रपात यानी झरना, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा अयन, सारा आकाश अयन जिनका, बिस्तर भुजंग भोजन जिनका। अयन यानी घर, अयन यानी घर। जो झंझावात यानी तूफान में उड़ते हैं, जो झरने का पानी पीते हैं, और जिसका घर पूरा आकाश है, जो विस्तर, विस्तर जो यानी जो विषैले सांप है, ऐसे सांपों का जो भोजन करता है वही फणिबंध, वही जो है वो नागपाश से छुड़ा सकते हैं और धरती का हृदय ऐसे विषैले जीवों से मुक्त कर सकता है। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको। मैं गरुड़, मैं गरुड़, गरुड़ यानी श्री कृष्ण, श्री कृष्ण को कर्ण कहते हैं कि मैं गरुड़ जैसा हूँ। यहाँ पे हमने देखा ना कि गरुड़ जो है वही तूफानों में उठते हैं, महलों में नहीं रहते, वो रहते हैं सैलों की जो फटी दरारों है उसमें, चलने का पानी पीते हैं, और जिनका घर पूरा आकाश है, और जो विषैले सांप का भोजन करते हैं और नागपाश से भी व्यक्ति छुड़ाते हैं। तो कर्ण कहते हैं कि मैं ऐसा पक्षी हूँ, पक्षीराज, जो पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ है वह यहाँ पे है गरुड़। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, यानी मुझे कुछ ताज की, कोई पद की लालसा है, दुर्योधन पर है विपद घोर, विपद यानी आपत्ति। इस समय दुर्योधन पर महासंकट आपत्ति आई हुई है, किसी विष उससे न छोड़, घोर दुर्योधन पर है विपद घोर, घोर यानी भयंकर, दुर्योधन पर बहुत बड़ी विपत्ति आई हुई है, उसे मैं किसी भी प्रकार से छोड़ सकता नहीं हूँ। रणखेत पाटना है मुझको, रणखेत यानी युद्ध का मैदान, रणखेत पाटना है मुझको, अही पास काटना है मुझको, अही पास यानी सांप का बंधन, जो फणिबंध है वो मुझे छुड़ाना। तो विद्यार्थी मित्र, हमने यहाँ तक
पूर्ण करते हैं। अच्छे से आपने समझा होगा, फिर से रिफर करते हूँ लास्ट दो पैराग्राफ। उड़ते हैं जो झंझावातों में, जो झंझावात यानी जो तूफान का सामना कर सकता है वही अच्छे लंबे समय तक टिक सकता है, और वही गरुड़ जैसे होते हैं तो जो है रणखेत यानी कर्ण जो है वो दुर्योधन को कर्ण है वो दुर्योधन का मित्र है, तो कृष्ण उनको अपने पक्ष में ले जाने पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए आते हैं। तो उस वक्त जो कर्ण है वो कृष्ण को कहते हैं कि मेरे मित्र पर जो संकट आया हुआ है अभी युद्ध के मैदान में मुझे उसके पक्ष में रहकर युद्ध करना है, तो मैं किसी भी प्रकार की आपके कोई भी मोह जाल में आने वाला नहीं हूँ, मैं अपने मित्र के साथ रहकर उसका जो अहिपास है वही मैं काटना चाहता हूँ। थैंक यू।